लोग इसका अब लोगों को भी समझ आ जाएगा, आ भी रहा होगा भी कौन सी पार्टी अच्छी थी और कौन सी पार्टी को हमने वोट देकर हमारे सिर के ऊपर ये बैठ गए हैं। ये लोग लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो इन लोगों का अपना ही एजेंडा है भी पैसे लोगों से करने इकट्ठे और भ्रष्टाचार करने। अफसर सुनते हैं, अगर अफसर को सही तरीके से आप उनको टेक्निकली बात सही बताएंगे। आप लोग जीत के आए हो चंडीगढ़ से, अगर जीत कर आए तो आप वहाँ पर दम रखिए ना, वहाँ पर कॉर्पोरेशन में चलाएं कॉर्पोरेशन को। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, स्वागत है आपका अर्थप्रकाश टीवी पे। बढ़ती पानी की महंगाई को लेकर और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सतीश कैंती, जो कि पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं, वार्ड नंबर 11 से पार्षद रह चुके हैं। सतीश कैंती, बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्थप्रकाश टीवी। सर, जैसे पानी के रेट बढ़ रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पानी के रेट का तो उन्होंने मजाक बना दिया। अब दो पिछला हाउस था उसमें कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने 5 काउंसलर थे, हमने उस समय बुरा मुद्दा उठाया था, हाउस से वॉकआउट भी किया था उस समय, कह कर जे भी पानी के रेट रोल बैक कीजिए, लेकिन इन्होंने धक्के से बीजेपी ने इसको लगा दिया। अब उसके बाद जब इलेक्शन आए, इलेक्शन के कारण इन्होंने उसको रोक दिया था भी नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद ये दोबारा से आए हैं तो दोबारा से ये रेट फिर बढ़ा दिए, और ये ऐसा नहीं है, ये हर साल बढ़ते जाएंगे, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। ये मतलब आप ये देख लीजिए, लोगों के साथ सीधा सीधा धोखा है। तो बाय डिफॉल्ट ये लोग आ गए हैं, पर लेकिन लोगों को ऊपर आप प्रॉपर्टी टैक्स भी देख लीजिए। जो कांग्रेस पार्टी जब होती थी उस समय, हमारे समय में जो जितनी कॉलोनियाँ थी उस सारी कॉलोनियों को, रिहैबिलिटेशन कॉलोनियों को एग्जम्प्ट किया हुआ था प्रॉपर्टी टैक्स से, और गांव थे, गांव में भी 5 मरले तक एग्जम्प्ट किया हुआ था। किस तरीके से इन्होंने बैक डोर एंट्री करके सोचा भी कॉरपोरेशन को कैसे चलाना, पता नहीं पैसा है इनके पास, क्योंकि कॉरपोरेशन तो जब से ये आए हैं 8 साल में बीजेपी, जब से ये कॉरपोरेशन वीकन हुई है, मतलब कमजोर हुई है, तो पैसा कहीं ना कहीं लोगों से इकट्ठा कैसे करना, तो इन्होंने ये टैक्स लगा दिया। ये बहुत ज्यादा लोगों के साथ धोखा है, और सारे लोग, मैं आप लोगों ने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के लोग, कॉलोनियों से लोग, रिप्रेजेंटेटिव लोग, एसोसिएशंस के लोग सारे जा जाकर एडवाइजर साहब को भी मिल रहे हैं, और कमीशन को भी मिले हैं, मेयर को भी मिले हैं, पर लेकिन उनके मुंह कहते सिर के ऊपर जूं तक नहीं रेखनी। लोग इसका अब लोगों को भी समझ आ जाएगा, आ भी रहा होगा भी कौन सी पार्टी अच्छी थी और कौन सी पार्टी को हमने वोट देकर हमारे सिर के ऊपर ये बैठ गए हैं ये लोग। बात करें जैसे कि आम आदमी पार्टी जब कंटेस्ट करती थी इलेक्शन को, उस टाइम बहुत वादे किए गए थे, क्या आपको पूरे कर पा रही है जहां से जीती है? मेन इनका एक ही बड़ा था जो मुद्दा, ये कैसा मतलब विडंबना क्या है, 14 लोग है जो मेजोरिटी में है, चलो मेयर नहीं बन पाया इनका, लेकिन वहां पर मुद्दा तो उठा सकते हैं, जो मेजोरिटी में जो लोग है वहां बैठ सकते हैं, गवर्नर के आगे धरना दे सकते हैं, क्यों नहीं देते, वहां पर दे देना चाहिए इनको धरना। हम लोग हैं, हम लोग थे, हम तो बिल्कुल जाकर कोई ऐसा इशू होता था जो कॉर्पोरेशन में नहीं बात बनती थी तो हम लोग तो वहां एडवाइजर के पास जाकर बैठ जाते थे धरने पे, कई बार ऐसे हुआ है, पर लेकिन यहां पर इन लोगों के अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं जब कॉर्पोरेशन में ये लोग आ जाते हैं। उसका मैं सीधा उदाहरण बता देता हूँ आपको, अभी आप लोगों ने देखा होगा भी ये काउंसलर जीत के आए, ये तो समझते हैं ये भी पता नहीं कितनी, यहाँ काउंसलर एक पैसा कितना खर्च दिया, कैसे खर्च दिया और कैसे इकट्ठा करना है, रेड़ी वड़ी वालों से ये लोग पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए। अभी वो 31 नंबर वार्ड से जहाँ से मैं इलेक्शन वहाँ से हारा हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आप पार्टी का है जो काउंसलर बिल्लू जीता है, उसका फर्ज बनता था वहाँ लोगों की सेवा करना, पानी के रेट कम करवाने, सीवरेज का काम वहाँ पर करना, बहुत से काम ऐसे थे वहाँ पर वो नहीं करवाया, क्योंकि पिछली बार वहाँ पर बीजेपी का काउंसलर था, अब वहाँ पर ये जीत के आया, तो ये तो लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो इन लोगों का अपना ही एजेंडा है भी पैसे लोगों से करने इकट्ठे और भ्रष्टाचार करना, ये है इनका। तो बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के पार्षद कुछ दिन पहले भगवंत मान जो कि पंजाब के सीएम बने, उनसे ही मिले थे नगर निगम कमिश्नर की शिकायत करने के लिए, उनको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये एक कमजोरी दर्शाता है। आप लोग जीत के आए हो चंडीगढ़ से, अगर जीत कर आए तो आप वहाँ पर दम रखिए ना, वहाँ पर कॉर्पोरेशन में चलाएं कॉर्पोरेशन को, वहाँ पर अफसरों को किस तरीके से काम करवाना है ये करवा नहीं पा रहे, कारण इसका है, ये आपस में डिवाइड है, इनसे काम करवाना, क्योंकि ऐसे काउंसलर जीत कर आ गए हैं जिनको कॉर्पोरेशन की ए और बी नहीं पता है, बस ये तो ये अभी मतलब किस तरीके से दबाव डालकर ये करवा लिया जाए। अभी पीछे हम, मेरे को मालूम है पिछली जब हाउस में था तो अरुण सूद भी होते थे, तो अरुण सूद का भी पीछे एक बयान आया है बीजेपी का भी, ये इन्होंने वहाँ पर गए हैं, तो ये लोग भी तो पहले वहाँ पर जाते थे एडवाइजर साहब के पास, कमल किशोर यादव जी होते थे हमारे कमिश्नर, उनके खिलाफ कई बार बीजेपी ने शिकायत की है भी हमारी अफसर नहीं सुनते। अफसर सुनते हैं,
अगर अफसर को सही तरीके से आप उनको टेक्निकली बात सही बताएंगे, अगर आप हवा में बातें करते जाएंगे तो अफसर तो परवाह नहीं करते, फिर तो वो यही चाहते हैं डिवाइड एंड रूल, वो अफसर कर रहे हैं। अफसरों को तो काम करवाना पड़ता है, अफसरों को दबाव ऊपर से डलवा के कह के कल को ये प्रधानमंत्री के पास चले जाएंगे, तो ऐसे काम अपनी विल जो अपनी काउंसलर की अपनी विल होती है काम करवाने की, वो दर्शानी चाहिए, ना कि मतलब भी कमजोर होना चाहिए। बात करें कांग्रेस पार्टी की, क्या कांग्रेस पार्टी के प्रधान चेंज हो रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, हमारे ऐसा है पूरे देश में हमारा वो कांग्रेस का वो मेंबरशिप ड्राइव चल रही है अभी हमारी 13 हाँ बिल्कुल मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, वो खत्म हो गई है अभी हमारी वो पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस की वो थी अपना वहाँ पर शिविर लगा था जयपुर में, उसके बाद अभी जुलाई तक सारे देश में कोई पता नहीं होता अभी प्रधान चेंज होगा या नहीं होगा, पर लेकिन ये अभी उसके लिए समय पड़ा है, अभी अगस्त में पता लगेगा उसका, पर लेकिन पार्टी जैसे होगी जैसे लोग चुन के आएंगे वो इलेक्शन होगा तो उस समय पता लग जाएगा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद जी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।